हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है क्या होता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आप सभी ने ये चीज़ ज़रूर ध्यान देखी होगी कि जब जब शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग होती है तब क्या होता है, कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा बढ़ने की वजह से या ज़्यादा घटने की वजह से उनमें ट्रेडिंग होना बंद हो जाती है। यानी कि कभी कभी कुछ स्टॉक्स 10% या 20% बढ़ जाते हैं या 20% 30% घट जाते हैं, तो उसमें जो ट्रेडिंग है वो उस दिन के लिए होना बंद हो जाती है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। आज के हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, इसको क्यों लगाया जाता है, कौन लगाता है इसे, और इसका मकसद क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके आया हूँ NSE.com की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैंने फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड नाम का शेयर खोल के रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेयर का आज का क्लोजिंग प्राइस है वो है 130 रुपये करीब, 123 रुपये करीब। और दोस्तों, आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि जो लोअर प्राइस ब्रांड है वो है 101 रुपये और जो अपर प्राइस ब्रांड है वो है 152 रुपये। तो चलिए समझते हैं ये होता क्या है। तो दोस्तों, जो अपना NSE है, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसने एक लिमिट निर्धारित करके रखी है कि अगर शेयर का प्राइस 123 रुपये है तो अगले दिन यानी कि कल के दिन वो 101 रुपये 70 पैसे से नीचे ट्रेड नहीं हो सकता, और अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो 152 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये शेयर का प्राइस नहीं जा सकता कल के दिन में। अगर ऐसा होता है, अगर शेयर का प्राइस 152 रुपये 50 पैसे तक ऊपर चला जाता है, तो उस दिन के लिए उस शेयर में ट्रेडिंग नहीं होगी, उस दिन के लिए उस शेयर में ट्रेडिंग स्थगित कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा किया क्यों जाता है, अब हम ये समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो लोअर प्राइस बैंड है ये 101 रुपये 70 पैसे है, जो शेयर का प्राइस है वो 123 रुपये है। तो लगभग लगभग यहाँ पे 20% का अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है, यानी कि जो रेंज है शेयर की वो 20% की है। इसका मतलब ये है कि शेयर या तो एक दिन में 20% ऊपर जाएगा या तो 20% नीचे जाएगा। तो दोस्तों, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हर शेयर के लिए ये लिमिट निर्धारित करता है। किसी शेयर में 5% की लिमिट होगी, किसी में 10% की होगी, किसी में 20% की होगी। तो देखिए, अब हम ये समझने जा रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं वो ये लोअर प्राइस बैंड या अपर प्राइस बैंड, जिसको हम लोअर सर्किट या अपर सर्किट बोलते हैं, वो क्यों लगाते हैं। तो चलिए, अब मैंने आपके सामने खोल दिया है ग्लेनमार्क कंपनी का शेयर। दोस्तों, इस शेयर में 3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि इस शेयर ने कोरोना वायरस की दवाई ढूंढ ली है। जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उस शेयर ने कोरोना वायरस की दवाई ढूंढ ली है। तो दोस्तों, ये जो शेयर थी, जो न्यूज़ थी, वो काफ़ी पॉजिटिव थी। कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, इसी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि शेयर का जो प्राइस है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और वैसा हुआ भी। जो शेयर का प्राइस है, जब कोरोना वायरस की इन्होंने न्यूज़ अनाउंस करी थी, जब उसके बाद शेयर खुला अगले दिन, जब मार्केट खुला अगले दिन, तो जो ये जो शेयर है ये सीधा 20% ऊपर की तरफ खुला। तो दोस्तों, जब ये शेयर 20% ऊपर की तरफ खुला तब इसमें सर्किट लग गया, फिर थोड़ी देर बाद 45 मिनट बाद ट्रेडिंग चालू हुई, फिर ये बढ़ते 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 तकरीबन तकरीबन 22-23% तक ऊपर गया। ये आप जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये वही कैंडल है जिस दिन ये शेयर का प्राइस ऊपर गया था। तो दोस्तों, उस दिन वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थी शेयर में। अब यहाँ पर न्यूज़ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा नहीं होता तो शेयर का प्राइस 40%, 45%, 50% तक भी ऊपर जा सकता था। तो दोस्तों, यहाँ पे शेयर मार्केट के जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने सर्किट इसलिए लगाया क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं वो न्यूज़ देखकर शेयर खरीदते हैं, उन्हें ज़्यादा
स्टॉक के फंडामेंटल की नॉलेज नहीं होती, उन्हें शेयर बाजार के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, तो वो न्यूज़ देख के एक्साइटेड होके इमोशनल होके शेयर को ख़रीद लेता है। तो दोस्तों, ऐसे रिटेल छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसी चीज़ें बना के रखी है, ताकि किसी भी शेयर का प्राइस एक दिन में बहुत ज़्यादा ना बढ़ सके या बहुत ज़्यादा ना घट सके, जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ना हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ने जब इस शेयर में अपर सर्किट लगाया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, जब यहाँ पे अपर सर्किट लगा जिसकी वजह से स्टॉक से 22 से 23% ही ऊपर जा सका, तो उसके अगले दिन जब मार्केट में मूड थोड़ा शांत हुआ, जब लोगों को समझ में आया कि कोरोना वायरस की दवाई एकदम से बनने से कंपनी को प्रॉफिट होने नहीं वाला, तो इसका प्राइस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। ये देखिए, ये कैंडल कल की है और ये कैंडल आज की है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं होता तो शेयर का प्राइस 40-50% ऊपर चले जाता। फिर उसके बाद अगर वहाँ से शेयर का प्राइस नीचे गिरता तो जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे लगा के रखे हैं इस टाइप के शेयर्स में, उन लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सेबी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, स्टॉक एक्सचेंज को एक ये गाइडलाइंस देखिए कि आप हर शेयर में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्यों लगता है सर्किट रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, शेयर के प्राइस में कोई ज़्यादा हेरा फेरी ना कर सके, इस वजह से कौन लगाता है अपर सर्किट। अगर हम इसकी बात करें तो मैं दोस्तों आपको ये भी बता ही चुका हूँ कि जो NSE और BSE है, जो कि इंडिया के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाते हैं और यही निर्धारित करते हैं कि किस शेयर में कितनी लिमिट होनी चाहिए। यानी कि कुछ शेयर्स में 20% की प्राइस लिमिट होगी अपर सर्किट और लोअर सर्किट की, कुछ शेयर्स में 5% की प्राइस वो होगी बैंड अपर सर्किट और लोअर सर्किट की। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही डिपेंड करती है, मतलब उनके हाथ में पावर होता है हर शेयर की अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट को डिसाइड करने का। तो चलिए, अब हम ये देखते हैं कि कौन से शेयर्स में नहीं लगता है सर्किट। तो दोस्तों, जो शेयर्स डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं, यानी कि जिन शेयर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, जो शेयर के भाव हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, जिन शेयर्स के फ्यूचर्स होते हैं, जिसके ऑप्शंस होते हैं, उन शेयर्स में सर्किट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, और जिन शेयर्स के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज वाले अच्छी कंपनीज मानते हैं, अच्छे शेयर्स मानते हैं, इसी वजह से उन शेयर्स में किसी भी प्रकार का सर्किट नहीं लगता। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो। थैंक यू।